क्या कंगना रनौत के शॉप से ट्विटर पर तहलका मच गया। सीईओ पराग अग्रवाल की नौकरी चली गई। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि यह बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बीते दिन से ही सोशल मीडिया के साथ ही खबरों में ट्विटर का मुद्दा जारी है। एलन मस्क ने न सिर्फ ट्विटर को टेक ओवर कर लिया बल्कि पराग अग्रवाल को भी कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इस पर रिएक्ट किया है। एक ओर जहां कंगना ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर इसे भविष्यवाणी से कनेक्ट किया है, तो दूसरी ओर उनके फैंस अकाउंट को रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं। कंगना रनौत ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा, मैं हमेशा उन चीजों की भविष्यवाणी करती हूँ जो जल्द ही होने वाली होती है। कुछ लोग मेरी दूरदर्शिता को एक्सरे कहते हैं, कुछ श्राप बोलते हैं, कोई जादू टोना भी कहता है। हम कब तक इस तरह की महिला प्रतिभा को खारिज करते रहेंगे? भविष्य की भविष्यवाणी करना आसान नहीं होता है। इसके लिए मानव प्रवृत्ति की उल्लेखनीय पहचान और व्याख्या के साथ ऑब्जर्वेशनल स्किल्स की भी जरूरत पड़ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए अपनी पसंद और नापसंद को भी छोड़ना पड़ता है ताकि हम जिस टॉपिक की स्टडी करना चाहते हैं उसका अध्ययन कर सके। याद दिला दे, बीते कुछ वक्त में ऐसा देखने को मिला है कि कंगना का जिससे भी पंगा हुआ है उसका हाल अच्छा नहीं हो रहा है। चाहे बात संजय राउत उद्धव ठाकरे की हो जिनकी सरकार गिर गई, वहीं दूसरी ओर अब पराग अग्रवाल को उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बता दे कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट कुछ वक्त पहले सस्पेंड कर दिया गया था। उस वक्त कंगना ने ट्विटर के लिए काफी कुछ कहा था। ऐसे में उनके फैंस का कहना है कि उनकी ये बात भी सच हो गई है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूँ आरती। खबरों के लिए बने रहिए मधुकाशी के साथ।